नमस्ते। आओ प्रज्ञा स्लोत्रा तो सारे लोग दिखा रहे हो सिद्धि लकीर। गल कर गई इस वेले कोरोना वायरस दी कि अज दे दिन यानी कि 24 जून 2020 च जम्मू कश्मीर च किन्ने लोग जेड़े ने अज दे दिन कोरोना वायरस दे शिकार होए ने। तो तुसे सारे लोकें में दस्सी ओड़ा कि 186 लोग जेड़े ने वो अज दे दिन जम्मू कश्मीर दे रोने वाले जेड़े कि अज दे दिन उनका कोविड-19 का टेस्ट जेड़ा है वो पॉजिटिव आया है। और जे गल करा मैं जम्मू डिवीजन दी कि जम्मू डिवीजन च टोटल किन्ने केस दिखने थोए, तो तुसीं दस्सी ओड़ा कि 28 नवे केस जेड़े ने वो अज दे दिन पॉजिटिव आए हैं जम्मू डिवीजन तू। तो जे मैं गल करा हूँ कश्मीर डिवीजन दी, तो कश्मीर डिवीजन तू 158 केस जेड़े ने वो अज दे दिन पॉजिटिव आए। इयां कि तुसीं दस्सा कि टोटल किनिया रिकवरियां जेड़ियां ने वो होइयां अज दे दिन। वह भी तुसें दसा कि 176 लोग जेड़े ने वो ठीक भी हुई दे इस बीमारी तू, जिदे विचों 45 लोग जेड़े ने वो जम्मू डिवीजन से और 131 लोग जेड़े उन्हें अज रिकवर किया है वो कश्मीर दे रौहने वाले है। हूँ तुम्हें डिटेल च दसा कि टोटल जेड़े ने जम्मू कश्मीर च किन्ने अज की तरीक तक केस जेड़े ने कोरोना वायरस के सामने आए हैं। तो तुम्हें दसा 4,6,422 लोग, करीब करीब अहें 6,500 पुज गए लगे ने जम्मू कश्मीर च जिन्ने भी केस आए हैं हाले तक। तो 6,422 केस जेड़े ने कोरोना वायरस दे हले तक दिखने की थोए ने। ये टोटल हाँ इन विचों किश अले भी पॉजिटिव ने, किश अले भी एक्टिव ने, किश कई लोगों अपनी जान भी गुआई उड़ी है और कई लोग रिकवर भी करी बैठे दिन है। ये टोटल जम्मू कश्मीर का मैं तुम्हें तो दसिया। हूँ जो मैं गल करा जम्मू डिवीजन की, तो 1,424 लोग जेड़े ने कोविड-19 का शिकार जम्मू डिवीजन च हले तक हो चुके दिन है। तो कन्ने की तुम्हें तो दसा एक्टिव केसिस की जो मैं गल करा, तो एक्टिव केसिस 496 केस जेड़े ने वो एक्टिव केसिस शामिल है जम्मू डिवीजन के। और रिकवरी की गल करा तो 918 लोगों रिकवर भी करी लिया है और 10 लोगों अपनी जान भी गवाई उड़ी है जम्मू डिवीजन तो। हूँ अज तो पहले दिखने कि अज के दिन जम्मू डिवीजन च किन्ने केस जेड़े ने वो टोटल आए हैं। वो मैं जिम्मे तुम्हें तो पहले दसिया कि 28 नवे केस जेड़े ने वो अज के दिन आए हैं और 45 लोगों रिकवर किया है। पहले ये दिख गए कि 28 केस जेड़े अज के दिन पॉजिटिव आए हैं, 1 केस जिले तो आए हैं जम्मू डिवीजन के। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो शुरुआत करके कि 7 लोग अज के दिन पॉजिटिव आए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो, और 7 दे 7 जेड़े है वो ट्रैवलर है। उधमपुर च 3 लोग अज के दिन पॉजिटिव आए हैं और 3 लोकल है। रामबन तो अज के दिन कोई भी नवा केस जेड़ा वो सामने नहीं आया है। कठुए की गल करा तो कठुए तो 2 बंदे अज के दिन पॉजिटिव आए हैं। ये कन्ने तुम्हें तो मैं भी दसी ओड़ा कि सांबा तो अज के दिन 4 पॉजिटिव केस आए और 4 दे 4 जड़े वो ट्रैवलर है। पुंछ तो 2 केस दोनों ट्रैवलर। रजौरी तो 8 बंदे अज के दिन पॉजिटिव आए हैं और 8 की ट्रैवल हिस्ट्री ही कोई। डोडा तो 1 बंदा अज दिन पॉजिटिव आया, वह भी ट्रैवलर है। रियासी का रोने वाला 1 बंदा वह भी ट्रैवलर हाँ, वह भी पॉजिटिव आया है। किश्तवाड़ तो अज के दिन कोई भी केस जड़ा वह नहीं दिखने थोया। अज के दिन जम्मू डिवीजन च खाली रामबन तो 1 किश्तवाड़ ऐसा जिला है, इन दोनों जिले च अज के दिन कोई भी नवा पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का नहीं थोया है। पर बाकी जिले च बथेरे केस जड़े ने वो दिखने थोए। टोटल 28 केस जड़े ने वह जम्मू डिवीजन च अज के दिन पॉजिटिव आए हैं। हूँ तुसें दसगी जी 45 रिकवरी हुई दी अज के दिन जम्मू डिवीजन च, वह 45 लोग जड़े ने वह कुत्थे दे रोहने वाले है जेड़े कोविड-19 के जाल तो निकली आए दिन बाहर। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो शुरुआत करगी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट अज के दिन 7 लोगों रिकवर करी लिया है। सब तो ज़्यादा रिकवरी अज के दिन उधमपुर तो हुई है। 28 लोग जड़े ने अज के दिन कोविड-19 तो छुटकारा पाइए, रिकवर करिए, डिस्चार्ज होइए, अपने घर जड़े ने वो पुजी दे रहे। रामबन तो अज के दिन ना ही कोई पॉजिटिव केस आया तो ना ही कोई रिकवरी की खबर आई। तो कठुए की गल करा तो कठुए तो 2 बंदे अज के दिन रिकवर करी बैठे दिन है। सांबा तो 1 बंदा ठीक हुई है। पुंछ तो 2 बंदे जड़े ने अज दिन रिकवर किया। रजौरी तो भी 2 बंदे की रिकवरी की खबर आई है। डोडा के रोने वाले 3 बंदे जड़े ने वह भी इस जाल तो अज निकली दे कोविड-19 के। रियासी तो अज के दिन कोई रिकवरी नहीं, तो ना गए किश्तवाड़ तो कोई रिकवरी की खबर आई है। हूँ तुसें मैं दसगी कि किन्ने लोगों जान गवाई है। टोटल 10 लोग ने, अज भी 1 बंदे की मौत हुई है, पर वो मौत जड़ी हुई है वो कश्मीर डिवीजन तो हुई है। जम्मू डिवीजन च अज के दिन कोई भी मौत जड़ी है वो नहीं हुई है। हूँ तो दसा जी टोटल 10 मौत हुई नहीं है जम्मू डिवीजन च। ये 10 कुत्थे दे रोहने वाले है लोग जिन्हें अपनी जान गवाई है वह भी दसनी आ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो 7 लोगों की जान चली गई है कोविड-19 की वजह कन्ने।
उधमपुर तो एक बंदा जेड़ा पूरा होई दा है, रजौरी तो एक बंदा जेड़ा पूरा होई दा, और कन्ने डोडा तो खबर है कि डोडा का भी रोने वाला एक बंदा जेड़ा सब तो पहले पॉजिटिव आया हा, ओरी जान जड़ी है वो चली दी है। हूँ तो सही दसा कि 10 जाना जड़िया ने जम्मू डिवीजन च गई हैं, और जो मैं गल कराँ कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन का तुम्हें दसने ताई मैं तुम्हें दसा कि कश्मीर डिवीजन च टोटल एक्टिव केसिस जड़े ने 2020 ने, रिकवर जड़े हुए ने 2900 रिकवर भी करी 8 दिन है, और जो गल करा मैं डैथ की तो 78 लोगों की जान भी चली गई है कश्मीर डिवीजन तो। पर उस तो पहले जम्मू डिवीजन के एक्टिव केसिस तो ही दसा कि अले किन्ने लोग ने जड़े अले भी इस बीमारी कन्नै लड़ा देना है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो मैं शुरुआत करा तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का तुम्हें मैं दसा कि 71 लोग जड़े ने वो अले भी इस बीमारी कन्नै लड़ा देना है। जे गल करा मैं उधमपुर की तो उधमपुर दरियाने रोने वाले 66 लोग जड़े ने वो अले भी इस बीमारी कन्नै लड़ा देना है। जे गल करा मैं रामबन की तो रामबन के रोने वाले 78 लोग जड़े ने वो अले भी एक्टिव लिस्ट च शामिल ने। तो गल कर जे कठुए की तो कठुए के रोने वाले 86 लोग जड़े ने वह भी अले भी पॉजिटिव ने एक्टिव केसिस च शामिल ने। सांबे के रोने वाले 72 लोग जड़े ने वह अले भी इस बीमारी कन्नै लड़ा दे। पुंछ के 31 लोग जड़े ने वह भी एक्टिव केसिस च शामिल ने। रजौरी के रोने वाले तुम्हें कि मैं दसा कि 53 लोग जड़े ने वह अले भी इस लड़ाई लड़ा दे ने अपनी COVID-19 कन्नै। डोडा के 16 लोग जड़े, रियासी तो 12 और किश्तवाड़ तो 10 लोग जड़े ने अले भी COVID-19 कन्नै अपनी लड़ाई जड़ी लड़ा देने अस्पतालों च। हूँ तो सही मैं डैथ का भी दस्सी ओड़ा कि 10 मौतें टोटल जम्मू डिवीजन च हुई हैं, एक्टिव केसिस भी दस्सी ओड़े। अज तक यह कुछ बनया 28 नवे केस जड़े ने जम्मू डिवीजन से अज दिन दिखने थोए, और गल करा जो रिकवरीज की तो 45 लोगों रिकवर भी किया जम्मू डिवीजन तो, और जम्मू डिवीजन तो सब तो ज़्यादा रिकवरी जड़ी अज हुई है वह उधमपुर तो हुई है, 28 लोगों उधमपुर के अज दिन रिकवर किया। हूँ गल करिए कश्मीर की कि साढ़े गुआढ़ियों के घर के शो है अज के दिन, किन्ने नवे केस दिखने की थोए ना, और किन्ने लोगों रिकवर किया। तो कश्मीर घाटी के लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि आज के दिन कश्मीर घाटी में 158 नए केसेस देखने को मिले हैं COVID-19 के। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि 131 लोगों ने रिकवर भी किया है, और एक शख्स ने अपनी जान भी गंवाई है COVID-19 के कारण। इसी के साथ कश्मीर घाटी में टोटल केसेस जो COVID-19 के अभी तक हो चुके हैं वो है 4998, जिसमें से 2020 एक्टिव केसेस हैं, 2900 जो हैं वो रिकवरीज हैं, और 78 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है COVID-19 की वजह से कश्मीर घाटी में। तो आज को पहले आपको बताऊंगी कि आज के दिन किस डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस जो हैं वो देखने को मिले। कुलगाम की बात करूं तो कुलगाम से 2 केसेस आज के दिन पॉजिटिव आए हैं, श्रीनगर से 29 केसेस आज के दिन पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 28 जो हैं वो लोकल हैं और एक शख्स जो है वो ट्रैवलर है। शोपियां में आज के दिन 35 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और 35 के 35 लोकल हैं। अनंतनाग से 8 लोकल लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। बारामूला से 37 लोग आज के दिन पॉजिटिव आए हैं, 36 उनमें से लोकल और एक ट्रैवलर। बारामूला की बात करूं तो बारामूला में 37 जैसे मैंने आपको बताया, और इसी के साथ आपको कुपवाड़ा का बता दूं कि कुपवाड़ा में 22 नए केसेस देखने को मिले हैं, 22 में से 20 लोकल और 2 ट्रैवलर। पुलवामा में 19 नए केसेस जो है COVID-19 के सामने आए हैं, और उन 19 में से 18 लोकल और एक ट्रैवलर। बांडीपुरा की बात करूं तो बांडीपुरा से 2 नए केसेस देखने को मिले हैं, और दोनों के दोनों लोकल हैं। बड़गाम से 1 शख्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं, वो भी ट्रैवलर हैं। गांधरबल से 3 नए केसेस देखने को मिले हैं, और 3 में से 2 लोकल और 1 ट्रैवलर। इसी के साथ आपको रिकवरीज का बता दूं कि कुलगाम में आज के दिन 7 लोगों ने रिकवर किया है, श्रीनगर में आज के दिन 2 लोगों की रिकवरी की खबर है, शोपियां से आज के दिन 29 रिकवरीज हुई हैं, अनंतनाग से आज के दिन कोई भी रिकवर नहीं हो पाया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि बारामूला से 63 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं आज के दिन, वो रिकवर कर चुके हैं। कुपवाड़ा से 13 लोगों की रिकवरी की खबर है। इसी के साथ आपको बताऊं पुलवामा का, तो पुलवामा से भी 6 लोग आज के दिन COVID-19 के जाल से निकलकर रिकवर होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। और बड़गाम से 5 लोगों की रिकवरी की खबर है, बांडीपुरा से 6 लोगों की रिकवरी की खबर, और इसी के साथ आपको गांधरबल का बताऊं कि गांधरबल से आज के दिन कोई भी रिकवरी जो है वो
नहीं हुई है। कश्मीर घाटी में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड 19 के कारण। आपको टोटल पहले भी बताया, अब एक बार फिर से बता देती हूँ कि 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोविड 19 के कारण। और वो 78 लोग जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे कश्मीर घाटी के, आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगी। कुलगाम से 11 लोगों की मौत की खबर है कोविड 19 के कारण। श्रीनगर से 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शोपियां के रहने वाले 10 लोगों की मौत की खबर आई है अभी तक। अनंतनाग से 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड 19 के कारण। बारामूला से 14 लोगों की मौत की खबर है। कुपवाड़ा से 5 लोग जो थे जो कोविड 19 की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे चुके हैं। पुलवामा से 4 लोग जो हैं वो उनकी मौत की खबर है। बड़गाम से 6 लोगों की मौत की खबर है। बांडीपुरा से एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। और गांधरबल से किसी की भी मौत की खबर जो है वो अभी तक कोविड 19 के कारण नहीं हुई है। अब आपको टोटल एक्टिव केसेस बता दूं कि कश्मीर घाटी में टोटल एक्टिव केसेस आज की तारीख तक के मिला के 2020 हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूं ये 2020 जो है वो किस किस जिले से कितने केसेस अभी भी एक्टिव हैं, तो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कुलगाम से अभी भी 211 लोग इस कोविड 19 से लड़ रहे हैं। श्रीनगर के रहने वाले 503 लोग जो हैं वो एक्टिव केसेस में शामिल हैं। शोपियां से 209 केसेस देखने को मिल रहे हैं। अनंतनाग की बात करूं तो अनंतनाग से 173 केसेस देखने को मिल रहे हैं जो एक्टिव हैं। बारामूला से 322 केसेस, कुपवाड़ा से 133 केसेस, पुलवामा से 220 केसेस, 200 पुलवामा से 220 केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आपको बड़गाम का बताऊं तो बड़गाम से 188 केसेस जो है वो एक्टिव केसेस में शामिल हैं। बांडीपुरा की बात करूं तो बांडीपुरा का भी आपको बता दूं कि 44 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। गांधरबल से 17 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये वो सारे केसेस जो हैं अभी आपको मैंने बताए ये एक्टिव केसेस हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में कोविड 19 से अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें हम शायद जानते हैं या जो हमें जानते हैं। कोई हमारा नून हो सकता है, कोई हमारा दोस्त हो सकता है, कोई हमारा पड़ोसी हो सकता है, अपने ही जान पहचान के लोग हैं और अपनी ही यूनियन टेरिटरी के लोग हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगी, आप अपना ध्यान रखिए, इस बीमारी को नॉन सीरियसली ना ही लें तो ही बेहतर है। जैसे कि आज भी आपको मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 186 नए केसेस जो है कोविड 19 के देखने को मिले हैं। और आज भी काफ़ी केसेस सामने आए हैं, 28 जो है वो जम्मू डिवीजन से सामने आए और 158 केसेस कश्मीर डिवीजन से देखने को मिले हैं। आज भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक शख्स जो है वो आज के दिन उनकी डेथ हो चुकी है कश्मीर घाटी में। और अगर टोटल बताऊं तो टोटल 88 लोग जम्मू कश्मीर में जिनकी कोविड 19 के कारण मृत्यु हो चुकी है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि 176 लोगों ने रिकवर भी कर लिया है जम्मू कश्मीर में कोविड 19 की लड़ाई से। तो ये वो सारे लोग हैं जो अपने ही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि काफी केसेस जो हैं वो हो चुके हैं कोविड 19 के जम्मू कश्मीर में ही। 6422 केसेस जो हैं आज की तारीख तक के मिला के कोविड 19 के जम्मू कश्मीर में देखने मिले हैं। लेकिन ये इसीलिए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं क्योंकि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। आपको मैं आप सबको बता दूं कि 186 आज के दिन टोटल केसेस आए हैं पॉजिटिव, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 32 केसेस ऐसे थे जो ट्रैवलर्स थे, और बाकी लोकल लोग जो मैं हर बार कहती हूँ कि अपनी लापरवाही के कारण पॉजिटिव आ रहे हैं, उनका आंकड़ा है 154, यानी कि करीब करीब 155 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और वो लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना ही वो रिटर्नीज थे, ना ही वो माइग्रेंट्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण जिन्होंने इस बीमारी को नॉन सीरियसली लिया, जिन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने आपस में दूरी नहीं रखी, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, ये वो लोग हैं जो आज के दिन इस डाटा में शामिल हुए हैं। आज के दिन कोविड 19 का टेस्ट जो इनका पॉजिटिव आया है। 88 लोगों ने अपनी जान गंवा ली है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में, और ये आज भी 186 नए केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रोज ही कुछ ना कुछ देखने को मिलता है कि 100 से ज्यादा केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में नए
COVID-19 के पॉजिटिव आए होते हैं, और अगर बात करूं मैं रिकवरीज की, रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन नए केसेस जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं भारत के अन्य स्टेट्स या बाकी यूनियन टेरिटरीज की, तो उनका भी यही हाल है, उन वहां पे भी यही देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन केसेस जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि हम लोगों ने COVID-19 बीमारी को बहुत ही लाइटली लेना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को भुला ही बैठे हैं कि शायद ये बीमारी जो है, हमें इस बीमारी से हम बच सकते हैं आपस की दूरी बनाए रखने में। हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम शुक्र मनाते हैं कि चलो बाजार खुल गया है, हम लोग बाहर चले जाएं, आपस में मिल लें, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है मिले हुए, कुछ बैठ के कहीं खा लें पी लें। बट आप लोग ये नहीं समझते उस वक्त कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, अगर हम भीड़ में खड़े हैं, अगर हम 4 या 10 लोगों के बीच में खड़े हैं, और अगर उनमें से एक भी पॉजिटिव हो, तो एक ही दिन में उस 10 लोगों के 10 भी पॉजिटिव जो है वो आ सकते हैं। तो यही एक कारण है जो हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। जब हम बाहर जाके कहीं खाते हैं या हम बाहर से कोई चीज़ घर लाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि कितने लोगों के हाथ लगे होंगे, हम ये नहीं देखते कि कौन वो सामान लेकर आ रहा है, क्या ये सामान जो है वो साफ होगा या नहीं होगा, क्या हम अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं क्या वो हेल्दी है, क्या वो साफ सुथरा खाना है या नहीं है, जो हम लोग फल फ्रूट जो है घर पे ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, क्या हम उन्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से धो रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब पॉजिटिव केसेस के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हम तो ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरा ध्यान रखा था, हमने तो मास्क लगाया था, हमने तो हाथ भी धोए थे, लेकिन ये जो बाहर का गंद खाया था और आपस में दूरी नहीं बढ़ाई थी, उसी के कारण हम लोग पॉजिटिव लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और आज के जो 154 लोग आज के दिन लोकल जो पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है वो की होंगी, जिनके कारण वो आज के दिन इस डाटा में शामिल हुए हैं। तो आप सभी लोगों से जाते जाते यही कहूंगी कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि कहीं ये गलतियां आप ना कर दे, आपके परिवार से कोई ना कर दे। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिए, जैसा कि आपको मैंने हर बार बताती हूँ, रोज बताती हूँ, जो कि मेरा फर्ज है, और बताती रहूंगी कि 88 लोगों ने जम्मू कश्मीर के अपनी जान गंवा दी है COVID-19 के कारण, और इन 88 में से बहुत सारे लोग जो थे वो बुजुर्ग थे, जिनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जब उनका COVID-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। जब वो COVID-19 के पेशेंट होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सांस लेने में, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सर्वाइव करने में। तो बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिए, जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनका भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिए, और उन लोगों को भी अपनी जान की कीमत जो है वो समझनी होगी जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को जाते जाते यही कहूंगी कि ये बीमारी जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत हर कंट्री में फैली हुई है, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बार बार रोज रोज बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि पढ़े लिखे होने के बाद भी ये छोटी मोटी लापरवाही जो है वो ना कर लें कि किसी दिन आप भी इन डाटा में शामिल ना हो पाए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, कर फिर हाजिर होंगी कोरोना वायरस पर अपडेट लेकर आप सभी लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए सीधी लिखित।